अजीब भ्राता श्री। पांचाली तो अब सचमुच थक चुकी है और मेरे अनुज भी। अब तुम मझले होने का कर्तव्य निभाओ और जाकर देखो आसपास कोई जल की व्यवस्था या विश्राम करने का उचित स्थान है या नहीं। और हां, शीघ्र लौटना भीम, क्योंकि 12 बरस की वनवास की अवधि अब समाप्त होने को है और दुर्योधन के सैनिक हमें सियार की भांति सूंघते फिर रहे हैं। जो आज्ञा भ्राता श्री। ये क्या कर रहे हो? दिखने में तो भद्र और व्यवहार में चांडाल लगते हो। मूर्ख बालक, तुम्हारे माँ बाप ने शिक्षा नहीं दी तुम्हें, बड़ों से कैसे बात करते हैं? जाओ और अपने माता पिता से पूछ कर आओ कि इस ताल को गंदा करके तुम कौन सा अच्छा काम कर रहे हो। जल गंदा नहीं करूंगा तो हाथ पैर कैसे धोऊंगा? शीघ्र ही इस ताल से निकलो। इस ताल से मैं देवी के स्नान के लिए जल लेता हूँ और तुम इससे गंदा कर रहे हो। जल का उपयोग नहाने धोने और शरीर की गंदगी दूर करने के लिए होता है। मंद बुद्धि, वो जल बहती धारा का होता है जहाँ गंदगी रुकती नहीं। ये ताल है, नदी नहीं। तुम यहाँ से निकलो अन्यथा मैं अपनी सभ्यता की सीमा लांघ जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा तो क्या कर लोगे? अभी बताता हूँ। मैं बच्चों पे हाथ नहीं उठाता, किंतु तुमने सारी सीमा तोड़ दी। तुम्हें तो सभ्यता सिखानी ही पड़ेगी। कैरोवत्स, ये तुम क्या कर रहे हो? प्रभु, इसने पूजा का जल अपवित्र किया है, मैं इसे दंड दूंगा। ऐसा मत करो वत्स, ये महाबली भीम तुम्हारे दादा हैं। मेरे दादा श्री भीम? हाँ पुत्र। मुझे क्षमा कीजिए दादाश्री, मुझे क्षमा कीजिए। तुम मेरे पौत्र हो, मेरे घटोत्कच के पुत्र। हा? हाँ दादाश्री, मुझसे अनजाने में ऐसा अपराध हुआ है जिसकी कोई क्षमा नहीं। नहीं पौत्र नहीं, भूल मुझसे भी हुई है। मैंने भी बड़े होने का कोई अच्छा परिचय नहीं दिया। मेरे लिए मात्र जल था और तुम्हारे लिए पूजा का स्थल, इसलिए भूल जाओ जो भी हुआ। कैसे भूल जाऊं दादाश्री, मैंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, वो भी अपने दादाश्री पर। मुझे इसके लिए अपने आप को दंड देना होगा। नहीं पौत्र नहीं, मैंने तुम्हारा बाल्यकाल नहीं देखा। हर पौत्र बाल्यकाल में अपने दादा पे हाथ उठाता है। मन मेला न करो पौत्र, हमारा मिलना शायद इसी प्रकार लिखा था। प्रिय भीम, तुमने आने में बहुत विलंब कर दिया। और ये भ्राता श्री, ये बर्बरीक है, मौरवी और घटोत्कच का पुत्र। और बर्बरीक, ये तुम्हारे बड़े दादा युधिष्ठिर, प्रणाम। दादा अर्जुन, प्रणाम। नकुल, सहदेव और तुम्हारी दादी द्रौपदी, प्रणाम दादी। आयुष्मान भव। बर्बरीक बड़ा सुंदर नाम है। सुंदरता के साथ साथ ये अद्भुत शक्तिशाली भी है। और जानते हो द्रौपदी, इसने मुझे मलयुद्ध में परास्त किया। ये बालक आपको? हाँ द्रौपदी, ये यहाँ वन में सिद्धियां प्राप्त करने आया था और मेरी इससे भेंट हो गई। पुत्र बर्बरीक, तुम्हारी दादी श्री हिडिम्बा, माताश्री और पिताश्री कैसे हैं? दादाश्री,
जब से मैं श्री कृष्ण से शिक्षा प्राप्त करके निकला हूँ तब से उनके दर्शन नहीं हुए, लेकिन ये विदित है कि वो सदैव पिताश्री और आप सबकी चिंता में लगी रहती है। घोड़े के टापों की आवाज। भ्राताश्री, लगता है दुर्योधन के सैनिक हमें ढूंढते हुए यहां तक आ पहुंचे हैं। हमारा वनवास तो समाप्त हो चुका है, अब हमारा अज्ञातवास शुरू हो रहा है। कदाचित तुम्हारा कथन सत्य है अर्जुन, और यदि उन्होंने हमें ढूंढ निकाला तो एक बार फिर हमें 12 बरस का वनवास और 1 बरस का अज्ञातवास सहना होगा। वो आपको नहीं ढूंढ पाएंगे दादाश्री, ये बर्बरीक आपके पौत्र का वचन है। ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो पुत्र। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो, हम तुम्हारी आराधना से अति प्रसन्न हैं पुत्र। कहो क्या वर मांगना चाहते हो? प्रभु, प्रथम इच्छा थी कि आपके दर्शन हो, वो अब पूर्ण हुई। और दूसरी? मैं ऐसी शक्ति चाहता हूँ प्रभु, जिससे मैं दुर्बल और निसहाय लोगों की रक्षा कर सकूं। इन्हें स्वीकार करो पुत्र, ये बाण बहुत अचूक बाण है। पहला बाण छोड़ने से तुम युद्धभूमि में जिनका भी वध करने की कामना करोगे, ये बाण उनके शरीर पर मृत्यु चिन्ह बना देगा। दूसरे बाण के चलने से जिन जिन के शरीरों पर मृत्यु चिन्ह बने हैं, ये उनका वध कर देगा। तथा तीसरा बाण समस्त सृष्टि का विनाश कर देगा। किंतु ध्यान रहे पुत्र, इन बाणों का कभी दुरुपयोग मत करना। स्मरण रहे, तुम सदैव दुर्बल का साथ दोगे, हारे का सहारा बनोगे। जो आज्ञा प्रभु। बर्बरिक को प्रलय वाली शक्ति मिल गई। इन तीन बाणों की सहायता से वो विश्व भर की सेना को अकेले समाप्त कर सकता था। पांडव द्रौपदी के साथ अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करने महाराज विराट की राजधानी पहुंच गए। द्रौपदी शैलेंद्री बन गई और उसे महारानी सुदेशना ने अपनी सेवा में रख लिया। युधिष्ठर विराट नरेश के विशेष सेवक हो गए, भीम रसोईया बन गए। अर्जुन ने विराट पुत्री उत्तरा को नृत्य की शिक्षा दी। नकुल अश्वशाला की देखभाल करने लगे और सहदेव ने चरवाहे का कार्य किया। अज्ञातवास समाप्त होते ही पांडवों का दूत बनकर श्री कृष्ण कौरवों के पास गए, परंतु दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी। युद्ध होगा बड़े भैया, अवश्य होगा। युद्ध को टालने का मेरा अंतिम प्रयास, मेरा शांति प्रस्ताव विफल हो गया। मामा शकुनी के द्यूत के पासे अब जुए की बिसात से निकलकर नरसंहार का नृत्य कर रहे हैं। हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र ने नेत्रहीनता को अपना रक्षा कवच बना लिया है और पुत्र मोह के कारण वो अपना राजधर्म भूल चुके हैं। मैंने आप पांडवों के लिए केवल 5 गांव मांगे थे, किंतु दुर्योधन ने कहा कि 5 गांव तो क्या,
वो सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं देगा। हे केशव, सत्ता और शक्ति के मद में चूर अनुज दुर्योधन चाहे कुछ भी कहे, किंतु पांडवों की ओर से अंतिम निर्णय लेने का अधिकार मैं आपको सौंपता हूं माधव। प्रश्न अब केवल न्याय संगत अधिकार का नहीं है महाराज, अब प्रश्न है धर्म का, और मैं तो सदैव धर्म के हित की बात करूंगा और यही कहूंगा कि हे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, उठाओ अपना गांडीव। हे गदाधारी भीम, उठाइए अपनी गदा। हे धर्मराज युधिष्ठिर, उठाइए धर्म की ध्वजा। जब जब राजनीति करने वाले लोग असंवेदनशील होंगे, तब तब शस्त्र उठेगा। ये युद्ध होगा सत्य और असत्य का, न्याय और अन्याय का, धर्म और अधर्म का। इसलिए ये धर्म युद्ध है, जिसके लिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र चुना गया है। अर्थात ये युद्ध तो होगा ना वासुदेव? निस्संदेह पांचाली। हे मधुसूदन, अंतिम सांस लेती मेरी प्रतिशोध की ज्वाला को आपने पुनर्जीवित किया है। हे नरश्रेष्ठ, यह आपका वचन है, आश्वासन मात्र नहीं। नारी के सम्मान को तार तार होते देखा है आपने। हे दीनानाथ, आपने मेरी लाज ढकी इन खुले केशों के साथ। यदि मैं चिता तक जाती तो मेरा स्थान नरक में निश्चित था। कृष्णे, तुम्हारे रूप में समस्त नारी जाति का अपमान करने वालों को चिता भी नहीं मिलेगी। उनके शवों पर विलाप करने वाला कोई नहीं होगा, होंगे केवल गिद्ध। कुमार बरबरेक के, 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 कुमार बरबरेक के। दादीश्री बरबरेक। दादीश्री, मुझे लगा कि आप मुझे याद कर रही हैं, सो मैं यहाँ चला आया। बैठ जा पुत्र। बरबरेक, विधाता ने तो मेरे भाग में प्रतीक्षा ही लिख दी है। कभी अपनों की प्रतीक्षा उम्र भर, तेरे दादा की प्रतीक्षा, और अब तेरी प्रतीक्षा। दादीश्री, आपकी यही प्रतीक्षा तो आपके अपनों की शक्ति है। आपने जिस कार्य के लिए गुरुदेव श्री कृष्ण के पास भेजा था, उनके मार्गदर्शन में वो पूर्ण हुआ। आज आपके बरबरीक को संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति भी चुनौती नहीं दे सकती। पुत्र बरबरीक। प्रणाम माते। आयुष्मान भव पुत्र, क्या तुम्हें मेरी सुध कभी नहीं आई? मैं दिन रात तुम्हारी ही चिंता में थी। आप मेरी जननी हैं, ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी जननी को भूल जाऊं? आप, दादी तथा पिताश्री सब मेरे हृदय में बसे हुए हैं। पुत्र, जिस कार्य हेतु वासुदेव ने तुम्हें गुप्त क्षेत्र भेजा था, वो पूर्ण हुआ? हाँ माते, गुरुदेव के आशीर्वाद से देवी ने प्रकट होकर मुझे सिद्धियां प्रदान की। धन्य है माता। दादी, वन में मेरी दादाश्री, दादी द्रौपदी तथा समस्त पांडव कुल से भेंट हुई। अच्छा, तो तुम्हें उनके दर्शन प्राप्त हुए? हाँ दादीश्री, वो कह रहे थे कि उनका ज्ञातवास चल रहा है, यदि किसी ने उन्हें देख लिया तो उन्हें फिर से वनवास जाना पड़ेगा। हाँ पुत्र, अज्ञातवास के पश्चात भी कौरवों ने पांडवों को नहीं स्वीकारा। मैं समझा नहीं दादीश्री। राजपाट की लड़ाई में पांडव कौरव में लड़ाई छिड़ गई है। छल बल कौरव का धर्म है, पांडव का सत्य अहिंसा कर्म है। कृष्ण शांतिदूत बनकर मध्यता करने गए, किंतु दुर्योधन ने उनकी एक न सुनी। ये तो अन्याय है। युद्ध की तैयारी हो चुकी है, इधर केवल 5 पांडव, तेरे पिता और श्री कृष्ण हैं। निश्चित रूप से विजय कौरवों की होगी, क्योंकि उनके पास तो अपार सेना है।
मेरे होते ऐसा कदापि नहीं हो सकता। यदि कौरव सारे विश्व से एक विशाल सेना भी इकट्ठी कर लें, उनके पास मेरे इन बाणों का सामना करने का साहस नहीं है। पुत्र, तू अभी एक बालक है, इतने बड़े योद्धाओं के समक्ष तू अकेला क्या कर सकेगा? माते, भगवान शिव से मुझे शक्तियां प्राप्त हुई हैं। वरदान के स्वरूप मेरे पास 3 अमोघ बाण हैं, जो किसी भी शत्रु को एक पल में समाप्त कर सकते हैं। मुझे युद्ध क्षेत्र में जाने की आज्ञा दीजिए माता श्री। किंतु पुत्र। माते, मैं केवल वहां जाकर युद्ध देखूंगा। मैंने देवी सिद्धम्बिका तथा भगवान शिव को वचन दिया है कि जो पक्ष कमजोर सिद्ध होगा, मैं केवल उसी की सहायता करूंगा। मेरे ये बाण केवल हारने वाले पक्ष के लिए चलेंगे। पुत्र, मौर्वी, इसे मत रोको। आज पांडव कुल को इसकी आवश्यकता है। जाओ पुत्र, युद्ध जीत कर आओ और इतिहास बनाओ। सदा हारे का सहारा बनो।